नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा के त्योथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत अमेलिया गांव में आज लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सहकारी समिति प्रबंधक करोड़ों का आसामी निकला और दबिश देकर लोकायुक्त की टीम में उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है, जिस पर चाकघाट पुलिस के द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर लोकायुक्त पुलिस के द्वारा हर रोज अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार अधिकारी और कर्मचारी अपने भ्रष्ट रवैये से बाज नहीं आते हैं और यही कारण है कि अक्सर उनके घर से चल अचल संपत्ति बरामद की जाती है। रीवा जिले के त्योथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत अमेलिया गांव से आज एक ताजा मामला सामने आया है, जहां सहकारी समिति का प्रबंधक भ्रष्टाचार करके करोड़ों का आसामी निकला है, जिसके बाद शिकायत के आधार पर आज लोकायुक्त पुलिस की टीम ने अमेलिया स्थित उसके निवास पर दबिश देते हुए कार्रवाई की। आज सुबह 4 बजे ही लोकायुक्त की टीम ने सहकारी समिति के प्रबंधक शुक्रमणि मिश्रा के घर में दबिश दी। इसके बाद तुरंत ही लोकायुक्त पुलिस की टीम ने जरूरी दस्तावेज खंगाले, जिसमें समिति प्रबंधक करोड़ों का आसामी निकला बताया जा रहा है कि 2 लग्जरी गाड़ियां, 5 ट्रक, 2 मोटरसाइकिल वाहन, 1 JCB मशीन, 1 एकड़ में बना मकान मंदिर सहित अन्य कई चीजें उजागर हुई हैं। लोकायुक्त टीम ने प्रेस रिलीज के माध्यम से जानकारी दी है कि कार्यवाही समाप्त होने तक समिति प्रबंधक के घर से 3 करोड़ से ऊपर की संपत्ति उजागर हुई है। वहीं एक पिस्टल भी बरामद हुई है, जिसको लेकर चाकघाट पुलिस के द्वारा आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।